दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आजकल जो है हाइपरवर्स के अंदर काफ़ी बड़ी एक समस्या बनी हुई है विड्रॉल को लेकर, क्योंकि विड्रॉल जो है वो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है। किसी का फेल्ड शो हो रहा है, किसी का होल्ड हो रखा है, एंड किसी का दोस्तों जो है प्रोसेसिंग में अभी तक जो है दिखा रहा है। और जिसके कारण जो है लोगों का एक नज़रिया जो है, लोगों का व्यू जो है वो एक निगेटिविटी की तरफ जो है वो इशारा करता है। बिकॉज विड्रॉल फेलियर प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, बड़ा लंबा समय जो है वो हो गया है कि विड्रॉल प्रोसेस स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। एंड काफ़ी समय से लोग जो है वो परेशान हैं, लोगों के विड्रॉल जो है वो सब रुके हुए हैं, जिसके कारण कंपनी के बारे में जो थिंकिंग है इन्वेस्टर्स की वो कुछ इस तरह की बन गई है कि कंपनी कोई बड़ा स्कैम करने वाली है यहाँ पर। दोस्तों कंपनी जो है चाहे कितना ही अच्छा सोच रही हो, कितना ही अच्छा प्लान जो है वो कर रही हो, बट इन्वेस्टर्स की जो थिंकिंग है वो भी करंट सिचुएशन के हिसाब से गलत नहीं है। दोस्तों अगर कंपनी को कोई अपग्रेडेशन करना था दोस्तों, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये अपग्रेड जो है कंपनी ने ऑटोमेटिक अपग्रेड क्यों नहीं किया सबको। अगर कंपनी को सबका अपग्रेड करना ही कंपलसरी था तो अपग्रेड जो है वो सबका ऑटोमेटिक हो जाना था अपने आप, और लोगों को जो है इतनी प्रॉब्लम भी फेस न करनी पड़ती जितनी फ़िलहाल जो है करनी पड़ रही है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए दोस्तों मन में थोड़ी सी शंका होना लाजमी है, और आप लोगों के कमेंट्स भी इतने इस तरह के आते हैं विड्रॉल प्रॉब्लम के बारे में, तो थोड़ा सा ये लगता है यार बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जब चीज़ कोई सामने दिखती है दोस्तों तभी उसका पता चलता है, एंड हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए, एंड जिस भी तरह का सॉल्यूशन आप लोग चाहते हो वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में थोड़ा सा मैं पर्सनली व्यू अपना जो है वो रख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं कि मैं कंपनी का कोई प्रमोटर हूँ या मैं कंपनी से कोई पैसे ले रहा हूँ प्रमोट करने के, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ प्लान बताते हैं, अभी वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप कितना इसको सीरियसली लेते हो या कितना अपना रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि विड्रॉल आखिर कब से शुरू होगा, फाइनली कब से जो है सक्सेसफुली हम अपना विड्रॉल ले सकेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि विड्रॉल जो है अभी आप अपना ना लें, अभी कुछ दिन वेट कर लें। अभी आपका जो विड्रॉल लेना चाहिए आपको 8 तारीख से, यानी कि 8 मई 2022 से आपको विड्रॉल लेना शुरू करना चाहिए, या एक दो दिन और भी आप वेट कर सकते हो। तब तक जो है फुल्ली अपग्रेडेशन जो है कम्प्लीट हो चुका होगा, एंड आपका विड्रॉल भी जो है वो कम्प्लीट होना जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, एंड उसके बाद आप विड्रॉल अपना इजीली ले सकते हो दोस्तों। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने अपनी टीम से, मैंने अपने टीम मेंबर से, या मैंने अपने जो अपलाइंस हैं उनसे मैंने बात की है इस बारे में, विड्रॉल के बारे में। तो उन लोगों का कहना यही है कि अभी थोड़ा होल्ड रखिए, विड्रॉल को अभी मत लीजिए। विड्रॉल प्रॉब्लम जो सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करिए। एंड दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आई है जिसके बारे में आपसे जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक गूगल फॉर्म जो है वो आजकल जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये बताया है कि अगर आप इस फॉर्म को जो है फिल करके आप इसको सबमिट कर देते हो तो दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है विड्रॉल होल्ड या पेंडिंग की या फेलर की, तो वो आपकी जो है कंपनी के एंड से सॉल्व हो जाएगी। बट इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड कुछ वीडियोस भी देखी, कुछ अपना जो आर्टिकल्स भी पढ़े, बट गाइज यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि आपकी प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने 5 दिन पहले जो है इसको फिल करके सबमिट किया था, बट वहाँ से कोई ऐसा जो है कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला, या कह सकते हैं कि कोई ट्रस्टेबल सॉल्यूशन नहीं मिला। तो दोस्तों आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर किसी पर्सन ने इस फॉर्म को फिल करके सबमिट किया हो एंड उनका जो विड्रॉल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ हो, तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक चाहिए तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हो। दोस्तों बात करें हाइपरवर्स की, तो कंपनी की तरफ से यही निकल कर आ रहा है कि कंपनी
फ्यूचर में काफ़ी अच्छा जो है वो करने वाली है, जैसे कि NFT लॉन्च करने की तैयारी में है कंपनी, एंड मेटावर्स भी पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुका है जिसको जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कंपनी की इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप और हम सब लोग देखेंगे कि कंपनी का क्या फ्यूचर अभी होने वाला है, और कंपनी के फ्यूचर के साथ ही जो है लाखों इन्वेस्टर्स का जो फ्यूचर है वो भी जुड़ा हुआ है। तो आई होप कंपनी फ्यूचर में जो भी डिसीज़न ले, जो भी डिसाइड करे या जो भी चेंजेस करे वो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टर्स के हित को ध्यान में रखते हुए करे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।